कि रात के टाइम इतने बजे कौन मोटर चलाता है कि बंदा सो ही ना सके, अब उनको कौन बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार मीडिया अनदर व्लॉग के साथ। व्लॉग का आज स्टार्ट किया है और आज मैंने व्लॉग किचन से स्टार्ट किया है और मैं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा। ये अभी मैं बताती हूँ और यहाँ पे मैंने जो है बोली खिचड़ी, ठीक है, क्योंकि आज है हफ्ते का दिन और हफ्ते के दिन जो है आप लोगों को पता है मेरे घर में यानी मैं जो है खिचड़ी ही बनाती हूँ। तो खिचड़ी इधर भुनी बन रही है और इधर मैंने हलवा चढ़ाया हुआ है, सूजी का हलवा। ये थोड़ा सा मेरे पास सूजी बच गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे बना लिया जाए और इन्जॉय किया जाए। असल में घर में गेस्ट आ गए, गेस्ट में कौन है, मेरी सिस्टर आई हैं और सिस्टर को मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो ये है मेरी सिस्टर, इन्हें भी कैमरे में नहीं ला रही हूँ क्योंकि ये पर्दा करती हैं, ठीक है। ब्लॉग ये है कि अभी कोई भी रूटीन नहीं है भाई, दिन से मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग, अभी बना रही सूजी का हलवा जो हम सब खाने वाले हैं। खिचड़ी चढ़ी भी है, भुनी खिचड़ी, खाना अभी कोई नहीं खाएगा क्योंकि मूड किसी का नहीं खाना खाने का। और आजकल पता है क्या, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा बीपी हाई का मसला हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो मेरा बीपी हाई नहीं होता है लेकिन आजकल लो रहता है, लेकिन आजकल जो है हाई हो जा रहा है, तबीयत बिगड़ जा रही है, इस वजह से जो मैं काम लेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी तबीयत थोड़ी बेहतर है क्योंकि मैंने मेडिसिन लिया और मैंने फटाफट किचन के काम कंप्लीट किए क्योंकि किचन उल्टा पड़ा था। सारे काम तो हो गए थे क्योंकि बच्चों ने निपटा दिए थे लेकिन किचन नहीं निपटाते, उनसे नहीं होता, तो किचन की रानी मैं ही हूँ। मैंने किचन की सफाई की है, अभी खाना चढ़ा हुआ है। इसमें मैंने अंडा एक डाल दिया, जैसे कि आप लोग सबको पता है मैं अंडा डालकर बनाती हूँ ये सूजी का हलवा। तो ये बन चुका है, तकरीबन तैयार हो चुका है, बस अंडा डाल के इसको पका रहे हैं, ये पक जाएगा तो और ये सूजी का हलवा हमारा हो जाएगा तैयार। देख रहे कितना खूबसूरत कलर आया। अच्छा, मैं नट्स नहीं डाली क्योंकि नट्स अभी अवेलेबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है नट्स नहीं है तो आप ये ना बनाएं। जैसे मैं अंडा डाल के बनाती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी बना सकते हैं। तो ये हलवा हमारा हो गया है कम्प्लीट और इधर जो है भुनी खिचड़ी भी तकरीबन कंप्लीट है क्योंकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। बस इसे अभी मैंने दम पे लगाना है, ओके, और ये खिचड़ी हमारी कंप्लीट है जी। तो ये फाइनल लुक आप देख लीजिए, लो अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होता है। आओ मेरा खा लो, नखरे नहीं करो, आपका नहीं निकाली, आ जाओ ना, गाजर खाना। अच्छा, ये काफ़ी दिनों से कह रही है मुझे गाजर का हलवा बना के दीजिए, अभी बनाई नहीं हूँ मैं, गाजर लेकर आएंगे तो बनाऊंगी। वो आधा किलो लेके आई है, कह रही इससे बनाइए, इतना सा बनेगा। हाँ जी, अभी मैंने अचानक बुरका लगा लिया। बुरका मैंने किस लिए लगाया है, वह ये कि मेरा जो ये फ़ोन है ये हैंग कर रहा है, बिल्कुल टच काम ही नहीं कर रहा है, ये लॉक खुल ही नहीं रहा है और ना ही मैं कोई वीडियो बना पा रही हूँ, कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ इसको चेक करवाने के लिए और अभी इमरजेंसी में जाना पड़ा जबकि मीरा के पापा को जाना है ड्यूटी भी, तो वही साथ लेके जा रहे हैं, वहाँ से ड्यूटी निकल जाएंगे और मैं वह इसके साथ वापस आ जाऊँगी। तो देखते हैं अभी क्या होता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हुआ है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, तो 5 नंबर गए थे हम, 5 नंबर से मोबाइल को ठीक करवा कर आ गए हैं और रास्ते में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मोबाइल हैंग था। और अभी घर आकर मैं वीडियो बना रही हूँ और बता रही हूँ कि ट्रैफिक इतना जाम है कि मत पूछे। खैर, मेरा के पापा वहाँ से मोबाइल ठीक करके जॉब पर जा चुके हैं, ओबैस के साथ मैं वापस घर आ गई हूँ और हसनैन को कोचिंग छोड़ कर आई हूँ। तो आगे ब्लॉग में अभी क्या दिखाना है, तो आगे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि आगे ब्लॉग में है क्या या क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले अब फ्रेश होती हूँ, अब आया चेंज करती हूँ, उसके बाद खाना खाऊँगी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। बेटी को भी दिखा दूँ, बेटी चीज़ खा रही है, ये देखें बेटी इतने सारी चीज़ और प्राइस लेकर आई है, देखें खाऊंगी पहले मैं, अब आया चेंज कर लूँ। तो मैं जा रही हूँ अबाया चेंज करने के लिए, उसके बाद मेरा खा रही है चीज़, मैं खाऊंगी खाना। चाय बना ली हूँ खाना खाने के बाद और अभी चाय इंजॉय कर रही हूँ, आइए आप लोग भी चाय पीजिए मेरे साथ। अच्छा जी, खाना मैंने अभी खाया है, जिस टाइम सिस्टर आई थी सब मैंने नाश्ता लगा दिया था क्योंकि सिस्टर को जाना था, सिस्टर के साथ चाय पी थी, फिर अभी दोबारा चाय पी रही हूँ। और आज जो खिचड़ी बनाई थी मुझे बहुत अच्छा लगा, पेट भर गया, दिल भर के खाया मैंने और अभी चाय इंजॉय कर रही हूँ। और मेरी आदत है कि मैं अगर खाना खाती हूँ तो चाय चढ़ा देती हूँ, वैसे अगर डाइट के हिसाब से देखा जाए तो खाना खाने के फौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए,
कम से कम आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा आप एक घंटा वेट करें, उसके बाद कोई मीठी चीज इस तरह की या चाय वगैरह, खास के चाय की बात कर रही हूँ जो चाय लवर्स हैं, पता है कि जो डाइट का ख्याल रखते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, तो मैं कहाँ से डाइट का ख्याल रख सकती हूँ, वो भी चाय को लेके, हो नहीं सकता मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती हूँ। जैसे कि खाना खाने के बाद चाय चाहिए, दिन में काम करने के दौरान भी मैं चाय पीती हूँ, और मुझे ऐसे भी एक्स्ट्रा चाय मिल जाए तो मैं पी लेती हूँ। तो चाय की आदत है मुझे, मतलब चाय लवर्स कह सकते हैं आप मुझे। और हाँ, कॉफ़ी भी मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि अभी ठंड शुरू होने वाली है तो कॉफ़ी का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। गर्मियों में मैं ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, लेकिन इस तरह का जब मौसम चेंज होता है तो फिर मैं कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि मैं चाय लवर्स भी हूँ और कॉफ़ी लवर्स भी हूँ। अभी हो रहा है रात का टाइम, लेकिन पता है आप सबको नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही, चलिए सुनाती हूँ आवाज़। शोर तो लग ही रहा होगा, कितना शोर आ रहा है। बैक कैमरा करती हूँ, हाँ चल रहा है मोटर। और पता है टाइम क्या हो रहा है, और पता है टाइम क्या हो रहा है, हसनैन मोबाइल दिखाना, टाइम देखना है। टाइम दिखाओ, क्या टाइम हो रहा है, मैं दिखाती हूँ। टाइम देखें, नजर आ रहा है, लाइट जलाती हूँ। बैक कैमरा 3:22। देख लिया तुमने क्या टाइम हो रहा है। नींद नहीं आने की वजह क्या है बता रही हूँ, मोबाइल लो। ये मोटर की आवाज़, इससे काफ़ी इरिटेशन हो रही है मुझे। और पता है इस वक्त मैं मोटर नहीं चला रही हूँ, हमारे लैंडलॉर्ड चला रहे हैं, हमारे लैंडलॉर्ड ये मोटर चला रहे हैं, तो उसकी आवाज़ है। अभी क्या करूँ, इसकी शोर से मुझे नींद नहीं आ रही है, तो बस इसी तरह अभी उठ के मैंने सोचा छोटे से क्लिप्स आप लोगों से शेयर कर दूँ और बता दूँ कि रात के टाइम इतने बजे कौन मोटर चलाता है कि बंदा सो ही ना सके। अब उनको कौन बोले जाकर, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। हाँ जी, तो बस ये है कि इस शोर से, मोटर की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है और अजीब सा फील हो रहा है, मतलब बेचैनी हो रही है इस आवाज़ को सुन सुनकर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। वैसे भी मैंने कुछ ख़ास तो आप लोगों से शेयर किया नहीं आज, वैसे कुछ था नहीं शेयर करने के लिए। जिस दिन होता है देखिए मैं सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, जिस दिन कुछ नहीं होता है तो इसी तरह आप लोगों को मेरा फेस देखना नसीब होता है। तो सो मैंने इस तरह आज ब्लॉग बनाया है, और ब्लॉग अभी जो है मैं एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि एंड करना भी ज़रूरी होता है ना ब्लॉग्स। और सोची कि आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी कर लूँ, नींद तो आने ही रही थी। ये लास्ट क्लिप मैं शूट कर रही हूँ, उसके बाद मैं वीडियो भी करूँगी एडिटिंग, क्योंकि अब जाहिर सी बात है नींद नहीं आ रही तो एडिटिंग तो करनी पड़ेगी ना। एक वीडियो मैंने एडिट की थी, ये वाली एडिट नहीं की थी, अभी से एडिट करके मैं फिर सोने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। खैर कल तो संडे का दिन है, उतना जल्दी नहीं है क्योंकि मेरा की भी छुट्टी है। तो करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप कि आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट डे अगले एक और मकदार से ब्लॉग के साथ। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।